हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नोहा, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं साइंस, सोशल स्टडीज और मैथमेटिक्स, और वो भी एकदम फ्री एट लर्नोहा.com। डिस्कशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके 5 पार्ट्स हमारे पास में है। इन्हें हमने एक एक करके सॉल्व करना है। तो जो आपको खाली स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आपको एक सुटेबल वर्ड भरना है जो कि आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट को करेक्ट बना पाएगा या फिर पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो बोला जा रहा है, फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो बॉडीज़ हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन किस चीज़ का अपोज करता है? तो इस चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, बार बार एक ही बात इसमें रिपीट हो रही है कि जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, या फिर यहाँ पर आप रिलेटिव मोशन भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर मोशन लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप लिख सकते हैं फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन बिटवीन द सर्फेसिज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, पार्ट बी है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सर्फेसिस। तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, सर्फेस से रिलेटेड आपको बताना है। तो आपको एक बात पता है, जैसे कि कोई रफ सर्फेसिस है ना, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि उनमें इरेगुलरिटीज़ के इंटरलॉकिंग का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि क्या होता है कि जो स्मूथ सर्फेसिस होते हैं, लाइक अगर किसी फ्लोर पर पानी गिर गया है या फिर तेल गिर गया है या फिर कुछ साबुन वाला पानी गिर गया है, तो हम फिसल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो गया होता है, कम हो गया होता है इसीलिए। तो रफ सर्फेसिस और स्मूथ सर्फेसिस, इसका क्या मतलब है कि किस पर डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्फेसिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश, तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है ना। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा तो वो हीट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और ये मशीनरी पार्ट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, पार्ट डी है, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। तो कैरम बोर्ड पर हम लोग जब भी ये खेलते हैं कैरम बोर्ड वगैरह, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पाउडर को डाल देते हैं, है ना। क्यों छिड़कते हैं हम उसमें पाउडर, आपने कभी ये बात सोची? हम इसलिए छिड़कते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो स्ट्राइकर होता है वो जो कॉइन्स होते हैं ना कैरम बोर्ड के, उनको ईजिली क्या कर पाए, पुश कर पाए, है ना। इसीलिए तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, यानी कि रिड्यूस करने के लिए, हम लोग जो कैरम बोर्ड होता है उसमें पाउडर को क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है यानी कि पार्ट ई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये आप लोग बताइए कि क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता होगा या फिर कम होता होगा? तो ये तो बहुत इजी है। स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मतलब है कि बॉडी अभी मोशन में नहीं आई है। इसका मतलब है कि जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है या फिर कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है वो क्या है, वो ज़्यादा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। अब जब बॉडी मोशन में आ गई है तो इरेगुलरिटीज़ के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है वो क्या हो गई है, इसका मतलब कम हो गई है। इसीलिए बॉडी किस में हो रही है, मोशन में हो रही है। और ये तो हमको पता ही है, जो फ्रिक्शन है वो किसका अपोज करता है, वो मोशन का अपोज करता है हमेशा, है ना। तो इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब तक बॉडी मोशन में नहीं आई है तब लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन, या फिर स्मॉलर देन भी लिख सकते हैं, द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इजी सा ही क्वेश्चन था, 5 पार्ट्स थे, हमने एक एक करके इनको अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 चिल्ड्रन वर आस्क टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 4 बच्चे थे, उनसे बोला गया कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए।
देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो उन चार बच्चों ने चार अलग अलग टाइप से, जो कि आपको ऑप्शन ए बी सी डी के थ्रू दिए गए हैं, अरेंजमेंट दिए। आपको बताना है कौन सा अरेंजमेंट सही है, यानी कि आपने इन तीनों ही फ्रिक्शनल फोर्सेस को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो आपको ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इन तीनों में ही, वो कौन सा होता है? वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और क्यों? वो हम इससे पहले के क्वेश्चन में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन में आने से पहले जब दो सर्फेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो दोनों ही सर्फेसेस हैं उनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए जो स्टैटिक फोर्स है वो इन तीनों में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा? तो सेकंड नंबर पर आ जाएगा स्लाइडिंग फोर्स। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पर आएगा इन तीनों में ही, वो कौन सा फोर्स होगा? वो रोलिंग फोर्स होगा। क्योंकि जो वहां पर दोनों ही सर्फेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज होंगी उनके बीच में इंटरलॉकिंग बहुत ही कम होगी इन तीनों के अगर कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टैटिक, देन फिर स्लाइडिंग एंड फिर रोलिंग। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका हो गया ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, यानी कि एक मार्बल फ्लोर है जो कि सूखा है, उसमें कोई पानी वगैरह नहीं गिरा है। वेट मार्बल फ्लोर, हो सकता है उसमें पानी गिर गया हो, तो ऐसा फ्लोर हम वेट मार्बल फ्लोर मान लेते हैं। न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सर्फेसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। तो आपको ये जो सारे के सारे ही ऑब्जेक्ट्स के सर्फेसेस दिए गए हैं जिन पर ये अपनी टॉय कार चला रही है अलीदा, तो आपको ये बताना है कि उनमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने वाला है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो आप कैसे बता पाएंगे? जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं आप उसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे सबसे ज़्यादा जो रफ सरफेस होगा वो किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा रफ सरफेस इनमें से कौन सा होना चाहिए? तो होना चाहिए टॉवल का। उससे कम किसका होना चाहिए? वेट मार्बल फ्लोर का होना चाहिए, या फिर न्यूज़पेपर का होना चाहिए, या फिर ड्राई मार्बल फ्लोर का होना चाहिए। तो टॉवल के बाद नंबर आना चाहिए न्यूज़पेपर का। ठीक है, और देखिए सबसे कम जो यहाँ पर रफ सरफेस होगा वो किसका होगा? तो वेट मार्बल फ्लोर का सबसे कम रफ सरफेस होगा, यानी कि एक स्मूथ सरफेस हो जाएगा जहाँ पर कार इजीली चल पाएगी, मोशन कर पाएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, जहाँ पर वेट मार्बल फ्लोर सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर यूज़ होगा। ड्राई मार्बल फ्लोर पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूज़ होगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर होगा? न्यूज़पेपर के साथ में, जब वो टॉय कार क्या करेगी? मोशन में होगी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पर होगा? टॉवल के साथ में होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रफ सरफेस टॉवल का ही होने वाला है, इसलिए जो कार का मोशन हो जाएगा टॉवल पर वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा कम होगा, और इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो जो आपकी राइटिंग टेबल है ना, वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, यानी कि टेढ़ी हो गई है, कुछ इस टाइप से मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके लेग्स हम लोग बना लेते हैं, ऐसे ही बस समझने के लिए बना रहे हैं। तो इसको ज़्यादा डायग्राम पे फोकस नहीं करना है, बस इतना समझना है कि जो ये टेबल है ये क्या हो गई है? थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, टिल्ट हो गई है। अब यहाँ पर रखी हुई थी एक बुक, तो ये मान लिया बुक। ठीक है, अब जब ये टेबल टेढ़ी हो गई है, टिल्ट हो गई है, तो ये बुक क्या होने लगी है? स्लाइड होने लगी है नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये बुक अगर नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है, इसका मतलब है कि इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या फोर्स लग रहा है वो किधर की साइड को लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा क्या अपोज करता है? मोशन के अपोजिट होता है, यानी कि अपोज करने की कोशिश करता है, मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी जिधर की साइड को बुक जा रही है उसके। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स हमने लगाया है यहाँ पर, जो इस एरो के साथ में दिखाया जा रहा है, ये कौन सा फोर्स का डायरेक्शन है? फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
motion. So if book started sliding down, it means the frictional force will be acting in upward direction, जो कि हमने इस तरीके से दिखाई है. चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली. तो आपसे गलती से साबुन वाला पानी गिर गया है मार्बल फ्लोर पे. वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, वाई? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे फ्लोर पे जहाँ पर साबुन वाला पानी गिर गया है आपसे, वहाँ पे चलना आपके लिए आसान होगा या फिर मुश्किल होगा? और जो भी आपका आंसर होगा उसमें आपको बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो देखिए, व्हेन सोपी वाटर फॉल्स ऑन द फ्लोर देन द फ्रिक्शन रिड्यूसेस. जब क्या हो जाएगा कि सोपी वाटर यानी कि साबुन वाला पानी गिर जाएगा मार्बल फ्लोर पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा. अब फ्रिक्शन अगर रिड्यूस हो जाएगा तो हम उस जो फ्लोर है उस पर क्या होने लगेंगे, स्लिप होने लगेंगे, फिसल जाएंगे, है ना. इसलिए वहाँ पर चलना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो दोनों ही जो इसमें पार्ट्स पूछे गए थे क्वेश्चन में उनके हमने आंसर दे दिए, और हम उसमें नहीं अच्छे से चल पाएंगे, डिफ़िकल्टी होगी हमें चलने में, या फिर हम फिसल जाएंगे. और किस वजह से? क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए. ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स. तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जो कि ग्राउंड में खेलते हैं, वो अपने शूज़ में, उनके शूज़ में स्पाइक्स क्यों होते हैं, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? जो ये स्पाइक्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो शूज़ का सरफेस है उसको क्या बनाते हैं, रफ़ बनाते हैं. तो हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के जो सरफेसेस हैं अगर रफ़ होंगे तो उनमें फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा. फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ईजिली जो ग्राउंड है उसमें गिर नहीं पाएंगे, है ना. और गिर नहीं पाएंगे तो उनको इंजरी नहीं होगी, इंजरी नहीं होगी तो वो अच्छे से खेल पाएंगे, चोटें लगेगी तो अच्छे से ही तो खेल पाएंगे, है ना. इसीलिए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि स्पाइक्स मेक द सर्फेस ऑफ द शूज़ रफ, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, एज फ्रिक्शन इंक्रीजेज इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू वॉक और रन, एज देयर ग्रिप ऑन द ग्राउंड इंक्रीजेज. तो उनकी ग्रिप अच्छी बनी रहेगी और अच्छे से वो लोग क्या कर पाएंगे, खेल पाएंगे. तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड वाई? तो दो लोग हैं, एक का नाम है इकबाल और एक का नाम है सीमा. इकबाल पुश कर रहा है एक लाइटर बॉक्स को, यानी कि हल्का बॉक्स है उसको. सीमा पुश करने वाली है एक सिमिलर टाइप का ही बॉक्स है लेकिन हैवियर बॉक्स है, यानी कि भारी बॉक्स है उसको. तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दोनों में से उन बॉक्सेस को पुश करने के लिए, और क्यों? तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है टू द मास. ठीक है, अब मास किसका ज़्यादा है, तो जिस बॉक्स पर सीमा फोर्स लगा रही है उसका. सो हैवियर एन ऑब्जेक्ट मोर फोर्स टू बी अप्लाइड टू मूव इट. जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसको उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो मूव कर पाए. देयरफोर हैवियर बॉक्स विल प्रेस फ्लोर सरफेस हार्डर एज कंपेयर टू द लाइटर बॉक्स. अब जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हैवियर बॉक्स है वो क्या करेगा, फ्लोर को और ज़्यादा पुश करेगा. किसके कंपैरिजन में, लाइटर बॉक्स के कंपैरिजन में. दिस इम्प्लाइज हैवियर बॉक्स विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन. तो जितना ज़्यादा वो पुश करेगा उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा. सो मोर फोर्स हैव टू बी अप्लाइड टू ओवरकम फ्रिक्शन. सो सीमा हैज़ टू अप्लाई मोर फोर्स एज कम्पेयर टू इकबाल. तो जो हैवियर बॉक्स था जो कि सीमा पुश करने वाली है, जिस पर सीमा फोर्स लगाने वाली है, उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी. किसके कंपैरिजन में, जो इकबाल जिस बॉक्स को पुश कर रहा है जो कि लाइटर बॉक्स है उसके कंपैरिजन में. ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए, है ना. तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं पहले. अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था टेबल का, तो टेबल क्या हो रखा है, थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है और इस पर रखी हुई है एक बुक. ठीक है, इस तरीके से. तो ये क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है. तो ये ईजिली स्लाइड कर पा रही है और जो इस पर फ्रिक्शन लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस तरीके से. तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये किसके कंपैरिजन में कम है, तो ये लेसर देन है
स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होगा, अगर इसी एग्जांपल में इसको समझने की कोशिश करें तो ये टेबल है, ठीक है, अभी ये टिल्ट नहीं है, यहाँ पर बुक रखी गई है जो कि अभी मोशन में नहीं आई है, लेकिन ये यहाँ पर इजीली इस तरीके से है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा वो कौन सा वर्क करेगा, अभी मोशन में नहीं आई है, तो ये है एक तरीके का स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेस हैं, यानी कि टेबल और बुक दोनों की ही जो सरफेसेस हैं, उनकी जो इररेगुलरिटीज़ हैं उन्होंने एक दूसरे को अच्छे से स्ट्रॉन्गली क्या कर रखा है, इंटरलॉक कर रखा है। जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है तो इस केस में जो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स थे यानी कि बुक और टेबल, इनके सरफेसेस के बीच में या इनके सरफेसेस की जो इररेगुलरिटीज़ हैं उनके बीच में इंटरलॉकिंग का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ये स्लाइड होने लग जा रही है, जबकि यहाँ पर ये इंटरलॉकिंग क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, ड्यूरिंग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स डू नॉट गेट इनफ टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड प्रॉपरली, देयरफॉर लेस इंटरलॉकिंग एंड लेस फ्रिक्शन, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द सर्फेसेज इंटरलॉक वेल, जो कि हमने इस वाले एग्जाम्पल में देखा, जब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब ये बुक मूव नहीं कर रही है तब, ठीक है, देयरफॉर फ्रिक्शन इज मोर, जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, द शो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इजी सा ही क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। तो इस चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में आपने बार बार फ्रिक्शन के बारे में ही बात की है, आपने ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि क्यों फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है और क्यों बुरा है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, कि क्यों फ्रिक्शन अच्छा है। तो देखिए, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू होल्ड थिंग्स, हम कोई भी चीज़ अपने हाथ में पकड़ पाते हैं, वो किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अब यही मान लीजिए मैंने ये पेन अपने हाथ में पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, किसकी हेल्प से, फ्रिक्शन की हेल्प से, है ना। नेक्स्ट है फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक, तो फ्रिक्शन हमें वॉक करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। और ऐसा कैसे हो रहा है, तो हम अपने पैरों से जब फ्लोर को या फिर ज़मीन पर क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो फ्रिक्शन हमें वॉक करने में या रन करने में भी हेल्प करता है। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट, तो हमको लिखने में भी किसकी हेल्प होती है, फ्रिक्शन की ही हेल्प होती है। इट हेल्प्स टू स्टार्ट और स्टॉप अ व्हीकल, तो जैसे ही व्हीकल में ब्रेक लगाना हो या फिर व्हीकल से हमें जाना हो, तो वहां पर भी किस वजह से, किसकी हेल्प से ये सब हो पाता है, फ्रिक्शन की हेल्प से हो पाता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन एज अ फो, कि क्यों फ्रिक्शन बुरा है, तो फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, जैसे कि हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा ही मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, नहीं होने देता है मोशन को, है ना। नेक्स्ट है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तो हम मशीन्स वगैरह में ये चीज़ें एग्जांपल के फॉर्म में देख पाते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है कि मशीनों में जो कुछ एक्स्ट्रा हीट जो प्रोड्यूस हमको देखने को मिलती है, उसकी वजह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी होती है, उसकी वजह से जो वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मशीन पार्ट्स हैं, ये सब क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। तो इसका एक रिजल्ट ये भी रहेगा कि मनी की भी वेस्टेज होगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, टूटेंगे या फिर मशीन के पार्ट्स टूटेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नए पार्ट्स लाने पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, मनी की वेस्टेज भी होगी बहुत ज़्यादा। नॉइस प्रोडक्शन इन मशीन्स, तो फ्रिक्शन की वजह से ही जो मशीन्स हैं उनमें नॉइस प्रोडक्शन भी होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड एंड फ्रिक्शन एज अ फो के। कुछ और एग्जांपल्स आप लोग भी सोच सकते हैं और अपनी तरीके से अपनी नोटबुक में उनको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने आज के डिस्कशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लुइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। तो देखिए, फ्लुइड्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई लिक्विड्स हो गए या गैसेस हो गई, जैसे कि हवा में क्या चल रहे होते हैं, एयरप्लेन्स या फिर एरोप्लेन्स, जो भी आप बोलना चाहें, या फिर पानी में क्या चल रहे होते हैं, जैसे बोट्स एंड शिप्स, तो उनको स्पेशल शेप्स में क्यों बनाया जाता है, नॉर्मली क्यों नहीं वो चल पाते हैं इन सारी फ्लुइड्स में। तो देखिए,
स्पेशल शेप्स एक्सपीरियंसेस लेस फ्लिट फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स। तो स्पेशल शेप्स में उनको इसलिए बनाया जाता है ताकि जो फ्लिट हैं जिनके थ्रू जो ड्रैग फोर्स है या फिर हम उनको फ्लिट फ्रिक्शन भी बोलते हैं जो उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है जिससे कि उसका मोशन रोका जा सके, है ना, तो उससे बचने के लिए उनको कुछ स्पेशल शेप्स में बनाया जाता है। जैसे कि एयरप्लेन्स को कैसी शेप दी जाती है, जैसे कि आसमान में चिड़िया उड़ रही होती हैं या पक्षी उड़ रहे होते हैं, कुछ उस तरीके से, है ना। और वैसे ही वाटर बॉडीज़ जैसे कि जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, है ना, तो उनकी कुछ बॉडी शेप्स होती हैं इस तरीके की, जैसा कि हमको उसमें मूव करने वाले, पानी में अगर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स को उस तरीके से शेप दी जाए तो वो ईजिली उसमें मोशन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि स्पेशल शेप्स एक्सपीरियंसेस लेस फ्लिट फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स, देयरफॉर कैन मूव इजीली थ्रू फ्लिट्स। इसके लिए एक एग्जांपल भी हमने लिया है, इन केस ऑफ एयरप्लेन व्हेन इट इज मूविंग थ्रू द एयर विल एक्सर्ट सम फ्रिक्शन, तो एयर की तरफ से उसको क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा ताकि वो मोशन ना कर पाए। दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अपोज्ड बाय द मोशन ऑफ द एयरप्लेन, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को कौन अपोज करेगा, जो एयरप्लेन का मोशन है उसके थ्रू अपोज करने की कोशिश की जाएगी। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन एयरप्लेन हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स टू ओवरकम इट, तो अगर उसको फ्रिक्शन को क्या करना है, अपोज करना है, तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि वो मोशन कर पाए एयर में, है ना। दिस विल रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो अगर स्पेशल शेप में वो नहीं होगा तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उस पर, है ना, ताकि वो फ्रिक्शन को क्या कर पाए, अपोज कर पाए और उसमें मूव कर पाए, तो ये क्या होगी, वेस्ट ऑफ एनर्जी होगी और वो उसमें मोशन भी नहीं ही कर पाएगा। ठीक है, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन कंसिडरेशन द शेप ऑफ द एयरप्लेन इज इन सच अ वे That is experiences lesser flit friction. तो अगर वो lesser flit friction या फिर drag force क्या करेगा, experience करेगा, तो वो easily air में क्या कर पाएगा, move कर पाएगा या फिर motion कर पाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आपने साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ में, एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तब तक आप खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए, और साथ ही साथ हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न ओ हा फ्री है लेकिन बेस्ट है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में।